हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइट में। तो दोस्तों जून के महीने में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, इसमें ना विराट कोहली होंगे ना ही रोहित शर्मा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि श्रीलंका दौरे पर कौन करेगा भारतीय टीम के कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, इसी पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबर लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप संजू सैमसन को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो ये वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात करें श्रीलंका दौरे के लेकर, तो एक बी टीम जाएगी भारतीय टीम, क्योंकि ए टीम जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के सीरीज के लिए रवाना हो गई होगी इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, सीरीज से बात करें तो जो खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए चुने गए हैं वह वापस नहीं आएंगे। एक नई टीम बनेगी जो कि श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहाँ पर वनडे और टी20 का सीरीज होगा। तो दोस्तों बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कौन होगा कप्तान भारतीय टीम का। तो दोस्तों इसमें तीन चेहरे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इनमें बात करें तो वह है शिखर धवन, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा कप्तानी बनने का चांसेस है वह है संजू सैमसन, क्योंकि दोस्तों बात करें संजू सैमसन पर इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए इस वर्ष आईपीएल में कप्तानी भी किए थे। इनमें कई खिलाड़ी जो कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चले गए थे और कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, इसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार कप्तानी किए थे और बेहतरीन फैसला भी ले रहे थे गेंदबाजी करते वक्त टीम के लिए। वहीं दोस्तों और अपने बल्लेबाजी से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी, जिनमें एक शतक भी ठोके थे और बेहतरीन कई अर्धशतक ठोके थे। तो दोस्तों माने तो बीसीसीआई इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि संजू सैमसन को श्रीलंका दौरे पर कप्तान बनाया जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होगा भारतीय टीम के कप्तान श्रीलंका दौरे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों अगर ये खबर अच्छा लगा था हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।